मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरने के पीछे दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब इंदिरा और राजीव गांधी वाली पार्टी नहीं रह गई है। बता दें कि मंत्री बिसाहूलाल अल्प प्रवास पर उमरिया पहुंचे थे, जहां सर्किट हाउस में उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और फिर अनूपपुर के लिए रवाना हो गए। दिग्विजय सिंह के चलते सरकार गिरी। हम लोगों की जब बात नहीं सुनी गई तो तमाम लोग, जितने विधायक थे मेरे साथ थे, 15-20 विधायक, आदरणीय सिंधिया जी के साथ थे कई विधायक, सब लोगों ने तय किया कि ऐसी पार्टी में अब नहीं रहना है और ये पार्टी अब इंदिरा जी की पार्टी नहीं रह गई, न राजीव जी की पार्टी रह गई।